फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक कैसे किया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक मास्टर ग्रोथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों, जैसे ही पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, सबसे पहले दोस्तों आप लॉगिन नहीं तो सबसे पहले आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा रिचार्ज एंड पे बिल्स। सिंपली दोस्तों रिचार्ज एंड पे बिल्स पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लिखा मिलेगा बुक ए सिलेंडर, तो सिंपली दोस्तों बुक ए सिलेंडर पर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पर बुक ए सिलेंडर पर क्लिक करते हैं, आपको लिखा मिलेगा बुक ए सिलेंडर और नीचे में लिखा रहेगा सेलेक्ट योर गैस प्रोवाइडर। तो सिंपली दोस्तों गैस प्रोवाइडर पर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा सेलेक्ट योर गैस प्रोवाइडर। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि दोस्तों मैं आप अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ एचपी गैस। सिंपली दोस्तों एचपी गैस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको लिखा मिलेगा कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर या 70 डिजिट एलपीजी आईडी। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कंज्यूमर अपना इंटर कर चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा मिला है गैस एजेंसी, तो सिंपली दोस्तों गैस एजेंसी पर हम क्लिक करेंगे। और दोस्तों आपको जिस स्टेट का है सिंपली दोस्तों सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मेरा बिहार का है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी सिटी है, सबसे पहले दोस्तों आपको सिटी को सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों मैं अपना सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा मिलेगा सेलेक्ट योर एजेंसी, अपना एजेंसी का नाम आपको सेलेक्ट करना है। तो सिंपली दोस्तों मैं अपना एजेंसी का नेम यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा आपका जो भी कंज्यूमर डिटेल होगा, यहाँ पर लिखा मिलेगा नेम, कंज्यूमर नंबर, एजेंसी नेम, डिलीवर एड्रेस। दोस्तों आप यहाँ पर सारा डिटेल्स देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अमाउंट, यहाँ पर कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, 692 मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा एक सिलेंडर के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा मिलेगा प्रोसीड टू बुक सिलेंडर। आप दोस्तों यहाँ पे कोई ऑफर लगाना चाहते हैं कैशबैक ऑफर, तो दोस्तों यहाँ पे हम टिक न करके बल्कि यहाँ पे अनटिक हम छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्रोसीड टू बुक सिलेंडर पर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही प्रोसीड टू बुक सिलेंडर पर क्लिक करते हैं, आपको लिखा मिलेगा अप्लाई प्रोमो कोड। सबसे पहले दोस्तों अप्लाई प्रोमो कोड पर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कैशबैक बहुत सारे ऑफर मिल जाएंगे आपको, जिसको पढ़ करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और कुछ कैशबैक भी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट एलपीजी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ए अप्लाई करता हूँ लक्की 200, तो सिंपली दोस्तों मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं प्रोसीड टू पे पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कहा जाएगा पेमेंट करने के लिए, तो दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कोई भी डेबिट कार्ड अकाउंट नंबर से चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर वॉलेट से करना चाहूँगा, पेटीएम का वॉलेट से। सिंपली दोस्तों यहाँ पे पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे बुकिंग के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बुकिंग सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर बुकिंग सक्सेसफुल, डिटेल पे क्लिक करके आप डिटेल इसका चेक कर सकते हैं। और दोस्तों दोबारा यहाँ पर बुकिंग करना चाहें तो फिर यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों पेमेंट डिटेल देखना चाहें तो सिंपली दोस्तों पेमेंट डिटेल पर क्लिक करके आप चाहें तो पेमेंट डिटेल भी यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड इनवॉइस पर क्लिक करके चाहें तो अपना इनवॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस डाउनलोड हो चुका है, जिसको आप चाहें तो आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सिंपली दोस्तों मैं इसको स्क्रीनशॉट करके फोटो लेना चाहूँ तो फोटो ले सकता हूँ, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों इस तरह से चाहें तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो इसका खींच सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही बैक करके होम पेज पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर 3 लाइन शो होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। और दोस्तों जैसे 3 लाइन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा ऑर्डर एंड बुकिंग। सिंपली दोस्तों ऑर्डर एंड बुकिंग पर हम क्लिक करते हैं। और दोस्तों जैसे ही ऑर्डर बुकिंग पर क्लिक करते हैं, आपने जो भी पेमेंट यहाँ पे किया और जो भी गैस सिलेंडर बुक किया, यहाँ पे इस तरह से शो होंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो भी अमाउंट था, योर ऑर्डर इज़ सक्सेसफुल। यहाँ पे दोस्तों आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं कि जो भी मैंने पेमेंट किया यहाँ पर, ये सभी यहाँ पर शो होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान चुके होंगे कि पेटीएम से गैस सिलेंडर कैसे बुक किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। सो थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।